हेलो फ्रेंड्स, लॉकडाउन 2.0 का आज दसवां दिन है। मैं मुकेश सिंह राजपूत, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए पास द रियल स्टोरी के यूट्यूब चैनल से आज मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही प्रैक्टिकल पर आधारित है और ये कहानी मैं इसलिए सुनाने जा रहा हूं कि इससे हमारे अंदर एक पॉजिटिव सोच आएगी, सभी के लिए अच्छा नजरिया आएगा। लेकिन इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखें और साथ में जो चीज उसे आप पालन करें। आप पालन करेंगे तो सच में आप सफल बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। P2 की तैयारी कर रहा था, जब मैं CA की P2 की तैयारी कर रहा था और लगातार मुझे असफलताएं मिल रही थी, तो मैं एक अपने एक सर से और मिला था, 84 सर से, MP नगर में ही पढ़ाते हैं। जब मैंने अपनी असफलता के बारे में लगातार मिल रही असफलताओं के बारे में उन्हें बताया, तो उन्होंने मुझे एक छोटी सी कहानी सुनाई। सर, मैं चाहता हूं कि वो कहानी मैं आपको सुना दूं, फिर उसके बाद में आपसे निवेदन करूंगा। कहानी यह है कि एक चित्रकार थे और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सूरज की पेंटिंग बनाई थी और उस पेंटिंग को उन्होंने लाइब्रेरी में ला के रख दिया था और 20 स्टूडेंट से यह कहा था कि वो तस्वीर में देख कर बताएं कि उन्हें क्या महसूस हो रहा है, क्या दिख रहा है। वो तस्वीर कुछ इस तरह बनी हुई थी कि उसमें एक सूरज की फोटो थी जो कि ये नहीं पता चल पा रहा था कि सूरज डूब रहा है या उग रहा है। तो 20 स्टूडेंट को उसको एनालिसिस करने की जब ये तस्वीर दी गई, तो 20 में से 18 स्टूडेंट ने ये कहा कि सर इसमें सूरज डूब रहा है, जबकि 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि ये जो सूरज है ये उग रहा है। तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि निगेटिविटी का माहौल हमारे चारों तरफ ज्यादा है और पॉजिटिविटी का कम है। मैं जब असफलता के दौर में था तो मेरे असफल दोस्त हुआ करते थे और यही बात हमारे 84 सर ने मुझे समझाने की कोशिश की इस कहानी के माध्यम से। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आप अपने अंदर से निगेटिविटी को हटा दो, अपने अंदर पॉजिटिव लेकर आओ। अपने दोस्तों की, अपने मित्रों की, आप किसी की भी बुराई करने में समय ना लगाएं, बल्कि आप उनमें अच्छाई ढूंढने की कोशिश करें। जब आप अच्छाई ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर सकारात्मकता का एक संचार होगा और आप में हर कुछ पॉजिटिविटी आएगी। उसके बाद मैंने सबसे पहले अपने जो मेरे फेल दोस्त थे उनके साथ में दिन भर दिन रात बस इंस्टीट्यूट को दोष देता रहता था, दिन रात, अरे हम अच्छा कर आए थे पर एग्जाम ने हमें पास नहीं किया, तरह तरह की जो नकारात्मक नेगेटिव बातें थी मैंने उन्हें दूर किया और मैंने अच्छे दोस्तों को ढूंढने की कोशिश की जिनके अंदर पॉजिटिविटी थी, जो हमेशा अच्छी बातें करते थे। तो मैं भी आज आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप जीवन में सचमुच में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ऐसे दोस्तों को तलाश करें जिनमें पॉजिटिविटी हो, जो सकारात्मक सोचते हो और जो सच में आपका भला चाहते हो। जिस दिन आप ऐसा कर लेंगे आप सबसे सफल बन जाएंगे और मैंने भी यही किया था। उसके बाद आज तक मैं किसी भी दोस्त की कभी कोई बुराई नहीं करता, बल्कि मैं यहां तो मेरे दुश्मन होते हैं ना, मैं उनकी बुराई नहीं करता, क्योंकि बुराई करने में जो समय बर्बाद हो रहा है उस समय को अगर हम अपनी पढ़ाई में और अपने अच्छे कार्यों में लगाएंगे तो हम सफल हो जाएंगे। आज का वीडियो मैं इसलिए लेकर आया था कि जितने भी मेरे चैनल में वीडियो है, हो सकता है कुछ वीडियो अच्छे ना लगें, तब भी आप पॉजिटिव ही रहिए, क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिविटी सोचने का तरीका आ जाएगा तो आप हर नजरिए को अच्छे तरह से देखेंगे और सफल हो जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो बहुत छोटा बनाया है, बनाने का उद्देश्य ये है कि आप अपने दिमाग में एक सकारात्मकता लेकर आए। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने 84 सर का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे उस समय एक सही दिशा दी थी जब मैं निगेटिविटी के दौर से गुजर रहा था, मेरे चारों ओर नकारात्मकता थी। उन्होंने पॉजिटिव की कहानी सुनाकर मेरे अंदर पॉजिटिव का संचार दिया और साथ ही उन्होंने मुझे ये बताया। इस वीडियो के माध्यम से मैं भी आपको सलाह देना चाहूंगा, मैं सलाह नहीं दूंगा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने ओर एक पॉजिटिव का संचार लेकर आए और हमेशा पॉजिटिव सोचें कि
किसी की बुराई करने से बचें। जिस दिन आप ऐसा कर लेंगे, आप देखना सबसे सफल व्यक्ति बन जाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं इसी बात को यहाँ खत्म करता हूँ। हम अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, जिसमें मैं ये बताने जा रहा हूँ कि पढ़ाई में इंटरेस्ट को क्रिएट कैसे किया जाए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।